दिस इज अमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉरर सीरीज में आप लोग से मैंने पूछा था कि आप लोग को हॉरर स्टोरी सुननी है कि नहीं, और आप लोग में कई लोगों ने बोला था कि सुननी है, बोला था कि मेरी सुननी है, पर मेरी तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में सुना दिया। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन दबा के देख लो, मेरी सारी बचपन की सारी अभी तक की सारी मैंने स्टोरीज वहाँ पे बताई हैं, इवन पिछले साल तक की बताई हैं, तो वो आई बटन पे आप चेकआउट कर लो, काफ़ी 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 डरावनी है, तो वो जाके चेकआउट कर लो। बट आज की वीडियो में आपको मैं सुनाने वाली हूँ एक नई स्टोरी जो उस वाले में रह गई थी वो, और साथ ही सारी फैमिली के साथ जो जो हुआ है वो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को 25,000 लाइक तक पहुँचा देना। अगर आपको और भी हॉरर स्टोरीज मुझसे सुननी हो तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी से। अब मेरी स्टोरी है जो कि अराउंड मैं 8th क्लास में थी। मैंने 8th क्लास में स्कूल में NCC ज्वाइन कर रखा था। में क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर या फिर एक बार एटलीस्ट ओवरऑल आपको एक बार कैंप ले जाता है। हम लोग 8 दिन के लिए गए हुए थे। अब वहाँ पे जाते जाते तो बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, हमने सारा सामान रखा और फिर उसके बाद हमें टूर पे लेके गया कि आपको कहाँ पे खाना मिलेगा, कहाँ आपको बाथरूम जाना है और कहाँ पे क्या क्या है। टेंट यहाँ पे, तो आप यहाँ से निकलेंगे आप सीधे की तरफ बहुत दूर है, मानी लिटरली अगर मैं कदम गिनूँ तो एटलीस्ट 100 कदम मान के चलो, 100 कदम दूरी पे हमारा बाथरूम है। और बाथरूम की तरफ बढ़ने के लिए आपको एक पेड़ को क्रॉस करना पड़ेगा और वो पेड़ आप गेस कर सकते हैं क्या होगा, वो पेड़ था बनियान ट्री जो कि है बरगद का पेड़। ऐसे हमारे दिन गुजरते गए, बाथरूम जाते थे, तो हमें एक इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि बाथरूम जाओगे तो कभी भी 3 एक साथ मत जाना, या तो 2 चले जाओ, या तो 4 चल जाओ, या तो उससे ज़्यादा चले जाओ, पर 3 इकट्ठे मत जाना। हमें एक्चुअली समझ भी नहीं आया था ये क्यों बोला गया था, बट हमारे उस कैंप के टाइम पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी थे जो कि उस टाइम पेपर दे रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे मत जाना। तो 4-4 जने जाते थे हर बारी, तो इकट्ठे होते थे कि चारों चलो, नहीं बाथरूम जाना तो भी चारों चलो। वैसे हम दिन में ही हो आते थे जिससे शाम से पहले हमारे काम हो जाए, बट एक बार हमें रात को जाना पड़ा। बाथरूम का एक बार हुलिया बताती हूँ पहले, कि बाथरूम का हुलिया ऐसा है कि आप एंटर करेंगे, आप वॉशरूम्स के अलग अलग सेक्शंस हैं बाथरूम घुसने के लिए, टॉयलेट के लिए, एंड उसके ऊपर सीलिंग नहीं, आप बैठे हैं और आप ऊपर आसमान देख सकते हैं या फिर ऊपर से आपको कोई देख सकता है। नॉर्मल इंसान तो चढ़ के नहीं देख पाएगा कुछ भी, इतनी तो हाइट थी। चारों गए, हमें थोड़ा सा एक बोलते ना उस बाथरूम के अंदर घुसते ही ना एक अलग सी ठंडी सी वेव आई, और वहाँ पे हमारी एक बाई होती थी, हर दिन जो स्वीपर होते हैं जो वो साफ करते हैं वो एक थी, और वो हमेशा घूंघट में रहती थी, लाइक हमेशा घूंघट। कल हमने तो कभी नहीं देखी एटलीस्ट, बट उस टाइम भी घूंघट में थी और वो रात को थी उधर। हम लोग को वो थोड़ी सी क्रीपी लगी थी, बट बिकॉज हमने उनको कभी, मतलब हमें ऐसा वियर्ड लगा नहीं क्योंकि हमने उन्हें दिन में भी देखा हुआ है बाथरूम के वहाँ पे। तो हमें अगले दिन ये रूबर पता चलता है हमारे सीनियर से कि वहाँ पे किसी ने किसी को देखा है, किसी चुड़ैल को देखा है, बेसिकली वर्ड्स उन्होंने ये यूज़ करते हैं, किसी चुड़ैल को देखा है, बट उन लोगों को ये नहीं पता था कि किसने देखा है, किसको देखा है, उन्होंने बस सीनियर्स ने बस यहाँ पे कहीं फैल गई थी बात और हमारे तक बात पहुँच गई थी कि किसी ने किसी को देखा है। मतलब मैं तो लिटरली 4-4 दिन तक तो शायद बाथरूम ही नहीं गई ये बात सुन के, दिन में तो चली जाती थी रात को गलती से भी नहीं जाती थी। एक दिन मुझे जाना पड़ा और उस दिन वहाँ पे बहुत 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 ही बुरा हाल हो गया था। 4 जने नहीं गए इस बार, हम लोग गलती से 3 जने चले गए। एक एक जना एक एक के बाथरूम में घुस गया क्योंकि तीनों को जाना था और जल्दी थी, हमें चौथा इंसान नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत ही वियर्ड सी घुनघुन घुनघुन आवाज़ आ रही थी, मतलब जो पायलों की आवाज़ आती है वैसी टाइप, पर पायल की भी बहुत ही दूर से आ रही है ऐसे, मतलब बिल्कुल आप बता नहीं सकते कि पायल की आवाज़ है, बट वो आ रही थी ना तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं वहाँ से चिल्ला, क्योंकि देखिए ऊपर छेद है तो आराम से आवाज़ चली जाएगी ना, तो मैं वहाँ से अपने फ्रेंड का नाम लेके उसे बुला रही थी, सुन ले, पर कोई मेरे को आवाज़ नहीं दे रहा था, वो दोनों में से कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था। बाथरूम से निकलने में बहुत डर लग रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद बाथरूम में मैं ज़्यादा सेफ रहूँगी इंस्टेड ऑफ बाहर। बाहर निकलने के बाद मैंने उन दोनों को उनके डोर पे खटखटाया तो उन्होंने आवाज़ दी और उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। उसके बाद बाहर आ गए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें जब आवाज़ लगाई तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि उनको कोई आवाज़ गई नहीं, उनके पास कोई आवाज़ आई ही नहीं। लिटरली अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए कि उनको आवाज़ पहुंची ही नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा स्कैरी मोमेंट था। मैंने उसी वक्त हाथ जोड़ लिए थे कि मैं उस कैंप में अब एक और दिन नहीं रह सकती हूँ, तो मैं उस दिन हम तीनों वहाँ से निकले। के बाद मेरे को 2 दिन अस्थमैटिक हो रखा था, मेरी सांस फूलती रहती, जिसकी वजह से मैं सुबह की राउंड्स नहीं ले सकती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। सुबह नाश्ते के लिए भी मेरे फ्रेंड्स मेरी प्लेट लेके आते थे, मैं अपने कैंप से निकल नहीं पाती थी 2 दिन। और उसके बाद ऑल्दो हमारा 2 दिन और एक्स्ट्रा बचा हुआ था, बट मेरी मम्मी को मैंने बुलवा लिया था और मेरी मम्मी मुझे आके पिक करके ले गई थी।
तरीके से वो टाइम बहुत बहुत ही स्केरी था, पता नहीं मन का वहम था या क्या था, बट दैट्स हाउ इट एंड। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है मेरी छोटी मासी है, उनकी 4 साल की थी तब की। मेरी मम्मी मासी सब लोग केरल के हैं। मेरी मम्मी अपनी मेरी ये वाली मासी बाहर गई हुई थी खेलने, तो क्या है वहाँ पे उन्हें एक पॉन्ड मिला, ऐसे चलते चलते एक पॉन्ड मिला। मेरी मम्मी को क्या है, मम्मी ने बोला कि इसमें कूद जाते हैं, तो क्या है मासी मना कर रही थी कि नहीं कूदना, क्योंकि छोटी तो है, डर लग रहा होगा उनको, नहीं कूदना था। पर मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, तो और मेरी मम्मी अराउंड 7 साल बड़ी है मेरी वाली मासी से। क्या किया, मासी को उठा के पानी में फेंक दिया मजे मजे में। बट फिर क्या हुआ, मेरी मासी डूबने जैसी हालत में हो गई, तो वो क्या मम्मी डर गई और मम्मी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उस एक इंसिडेंट के वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ मेरी मासी के लाइफ में। उनको क्या है, बीच बीच में फीवर आने लग गया, हर दिन नहीं रहता था पर बीच बीच में आता। सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये जो फीवर आता था वो बहुत ही पर्टिकुलर डेज में आता था, या तो ट्यूसडे या तो फ्राइडे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मुझे नहीं पता, बट ट्यूसडे या फिर फ्राइडे को फीवर आता था। अब मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उनको बुखार जब भी आता था, वो कुछ भी कर रही है, खा रही है या खेल रही है, कुछ भी कर रही है ना, वो ऐसे ऐसे ना देख देख के बोलती थी वारे। इन लोगों का ऐसा लगता था कि क्या मजाक है, मतलब छोटी बच्ची कुछ तो इमेजिन कर रही है, कुछ तो है जो ऐवे ही है, कोई बच्चों की बात सुनते ही कहा। उनके साथ थोड़ा और स्ट्रेंज ऐसे होने लग गया कि वो जब भी ये लोग सोते थे, और उस टाइम पुराने घरों में कहाँ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो अभी के डोर्स होते हैं जिनमें लॉक्स होते हैं वो सब होते थे, कुछ नहीं होता था, बहुत कच्चे घर होते थे। और मेरी मम्मी का तो घर सही में बहुत ही कच्चा हुआ करता था तब। मासी क्या है, बीच बीच ये लोग कभी उठ के देखते थे ना, तो मेरी मासी हमेशा घर के बाहर मिल खड़ी है, बाहर बैठी है, क्योंकि 5 साल के हैं। आप सोच सकते हैं मेरी मासी सिर्फ 5 साल की थी इस टाइम पे, और वो बाहर मिलती थी उनको। एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मम्मी सो रही थी और इन लोगों के जस्ट बगल में घर में इनके रिलेटिव रहते हैं, जो वो इधर आके मेरी मम्मी को उठा के बोल रही है। अब आप समझ सकते हो, वो लोग दरवाजा खोल के अंदर आके मेरी मम्मी को उठा रहे थे, आप समझ गए डोर कितने कच्चे होंगे। वो अंदर आके मेरी मम्मी को उठा रही है और पूछ रही है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। मेरी मम्मी बोले हैं है? वो तो यही सो रही, देखा तो नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि वो आंटी जो है उनके पास है मेरी मासी, क्योंकि वो लेके आई है कहीं से। फिर वो उन्होंने बताया कि वो बाहर शायद बाथरूम के लिए गई थी या पता नहीं क्या, बट उन्होंने देखा कि मेरी मासी उनके मेन गेट पे, डोर पे नहीं, डोर के बाद जो गेट आता है वहाँ पे ऐसे कर रही थी। तो इनको वियर्ड भी लगा, और वो क्यों कर रही थी पता नहीं, पर वो गेट खोलने का ट्राई कर रही थी मासी, पर वो गेट खुल नहीं रहा था शायद, इसलिए कर रही थी पता नहीं क्या। वहाँ पे ये बात भी खत्म होती है। मासी एक आधे साल और बड़ी हो गई होगी, अपनी दादी की गई, कि जो दादी है जो मेरी मम्मी की भी है, उनके घर आई वेकेशन के लिए ऐसे। वहाँ पे भी रात में वही सेम इंस्टेंसेस होने लगे कि वो बीच बीच में घर से बाहर चली जाती। तो इनको ऐसा वियर्ड सा लगने लगा कि कोई इन्हें किडनैप कर रहा है, कोई बदमाश है, कोई क्या है कुछ नहीं पता। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो, बच्ची के पिल्लों के नीचे एक चाकू या कुछ रख दो, जिससे बाई चांस कुछ भी बात होती है तो एटलीस्ट बच्ची अपने आप को बचा पाएगी। उस रात दादी वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, जब उन्होंने देखा मासी नहीं है, वो अटेंटिव मोड में आती, उतने में उनके बालों से किसी ने उन्हें खींचा, अपने बिस्तर से उन्हें खींचा, और वो लिटरली बचाओ 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 करने लग गई। जो मेरी मासी के चाचा हैं उन्होंने देखा और की मम्मी उनकी हेल्प के लिए बुला रही है, तो वो वहाँ दौड़ के आने लगे, तो देखा तो डोर लॉक्ड है। तो उन्होंने खिड़की खोली, खिड़की में भी ज़्यादा बार्स वगैरह थे नहीं, तो खिड़की से कूद के अंदर आ गए। लिटरली उनकी मुँह ज़बानी है ये कि दादी हवा में थी, आधी उनकी आधा शरीर बिस्तर पे था और आधा शरीर हवा में था, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ के रखा हो। कैसे ना तैसे उन्हें बचाया, और दादी ने क्लियरली फिर ये सुबह ये बात जब ये सब डिस्कस करने बैठे तो उन्होंने ये बोला कि कोई तो बहुत बहुत बुरा साया है। इन्होंने अगले दिन ये डिसाइड किया कि इन्हें मासी को किसी अच्छे जगह पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल सके इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे चर्च, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत ही जाना माना चर्च है, वहाँ पे भेज दिया। तो इस तरीके से वो बड़े से चर्च में गई, और थैंकफुली उसके बाद मासी के साथ कुछ नहीं हुआ। ये अराउंड 4 से 5 साल मासी के साथ चला, और फिर जाके इनको ये सॉल्यूशन मिला कि चर्च में जाके उनको थोड़ी तसल्ली मिली। ओके गाइस, सो ये स्टोरी है मेरी दूसरी मासी की, जो कि है मेरी चिन्नू की मम्मी। एंड ये स्टोरी शुरुआत होती है, इन्होंने अपना एक अच्छा खासा, इनके पास बड़ा सा घर था, उस घर को इन्होंने सोचा कि अच्छी सेल प्राइस मिल रही है और उस प्राइस में उन्होंने बेच दिया। अब इनका ये प्लान था कि यही बेच के ये लोग जाके केरल में रहेंगे और वहाँ पे एक बड़ा सा घर ले लेंगे और वहाँ पे रहेंगे। मासी क्या है, उस टाइम पे उनको बहुत दुख सा हुआ, थोड़ी सैड सैड सी रहने लग गई कि नहीं
वो अच्छा खासा बना के रखा था घर, वो बेचने की क्या जरूरत थी, मतलब जब वो बिक रहा था तब उनको इतना वो नहीं फील हुआ, बट जब वो बिक गया ना तो फिर उनको दुख बहुत ज्यादा होने लग गया। मासा ने बोला कि ठीक है एक दूसरा घर ले लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे दूसरा देखा, पर जब उन्होंने देखा तो उनको पता चलता है कि भैया जो घर उन्हें पसंद आया है वो बैंक ने क्लोज कर रखा है, इसलिए ये अंदर जाके देख नहीं पाए कि एक्चुअल में घर कैसा है। बाहर से इन्हें बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल प्रॉपर्टी भी अच्छी थी, जगह भी अच्छी थी, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी थी तो उन्होंने ले ली। अब लेने के बाद अंदर जाके देखा तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है अच्छा है सही है, इसको थोड़ा बस रेनोवेट करना है, क्योंकि ये घर जो था थोड़ा हाफ कंस्ट्रक्टेड था। इवन उस घर में पर सिलेंडर तक पड़े हुए थे और काफ़ी थोड़े बहुत सामान और रखे हुए थे। घर लेने के बाद पूरा पता चलता है, जब बैंक से सब कुछ क्लियर आउट हो जाता है तो पता चलता है आस पड़ोस से, ये घर जो पहले इस घर में रहते थे इनसे जस्ट पहले, उनके जो हस्बैंड है उनको उस उनको कोई बीमारी हो गई थी और वो उसी घर के अंदर मरे हैं। आस पड़ोस से ये भी पता चलता है कि वो जो अंकल थे वो इस घर को लेके बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि वो बना रहे थे, धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे थे, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाफ इसलिए था क्योंकि वो हाफ कंस्ट्रक्ट उन्होंने ही किया था और वो पूरा करे बिना मर गए। हिंदू के घरों में पूजा पाठ रखे जाते हैं, घर हवन करे जाते हैं घर में, सेम क्रिश्चियन में भी होता है कि आप फादर को बुला के, चर्च के फादर को बुला के प्यूरिफिकेशन कराते हैं घरों का। फादर ने कदम रखा अंदर और उन्होंने जब वो पहला क्रॉस ड्रॉ करा घर की वॉल पे, उन्हें तभी कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। कुछ तो था जो उन्हें नेगेटिव और ना डिस्कम्फर्ट दे रहा था अंदर ही अंदर, दिल ही दिल। इस चिन्नू के पापा मम्मी दोनों को बोल दिया कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो नेगेटिव है, मुझे नहीं पता क्या है बट कुछ नेगेटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि इस मासी, और जैसे मैं भी हूँ तो मैं भी थोड़ी कच्चे दिल की हूँ, मेरी मासी भी थोड़ी कच्ची दिल की है इन मामलों में, और इसमें क्या हुआ कि मासी वहाँ पे रहने लगी। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्या है बिकॉज बहुत बड़ा घर था ना, सबके पास अपना अपना रूम है, तो मेरी मासी जब भी किचन में काम कर रही है या अकेले कुछ भी एक कमरे में जा रही है, कुछ भी हो रहा है, जहाँ पे भी वो अकेली होती थी ना, वहाँ उन्हें ऐसा फील होता था कि उन्हें पीछे से कोई खींच रहा है या उन्हें पीछे से कोई चीज़ पुल कर रही है और उनका पैर खींचा जा रहा है या कोई उन्हें स्क्रैच मार रहा है। मुझे सही में ये बताते टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इवन दो मेरी स्टोरी नहीं है ना, बट स्टिल मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। बट ये सब होने लग गया ना मासी के साथ, बहुत घबराहट होने लगी मासी को, बहुत डरने लगी। तो क्या हुआ, चिन्नू ट्यूशन तब तक नहीं जाती थी जब तक मासा जी घर नहीं आ जाती। इवन बाथरूम जाने के लिए चिन्नू पीछे पीछे होती थी और बाथरूम का दरवाजा खुला करके ही मेरी मासी को बाथरूम जाना पड़ता था, क्योंकि वो किसी भी एक क्लोज स्पेस में नहीं रह सकती थी अकेले। चिन्नू क्या करती थी, चिन्नू का एक सेपरेट रूम था जो कि सामने था। अब जैसे इनका घर में ऐसे घुसते ही सीढ़ियों से एक उधर एक कमरा है, एक इधर एक कमरा है, यहाँ पे किचन और यहाँ पे एक और कमरे हैं। तो मासी जब भी अपने कमरे से निकल के उस कमरे की तरफ देखती थी ना, तो उन्हें ऐसा लगता था वहाँ कोई खड़ा है, कोई मेल फिगर, बट बिकॉज वो खाली कमरा था और उनको ऐसे कमरा खाली भी रखना चाहिए, और इनके पास किराएदार आए, इन्होंने वो कमरा किराएदारों को दे दिया। अब वो किराएदारों को भी कुछ ऐसा लगने लग गया और उन्होंने भी एक महीने के अंदर अंदर उस घर कमरे को खाली करके वो चले गए। कोई भी किराएदार एक ही महीने में कहीं भी जाता नहीं है, बट उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सही नहीं लगा। मेरी मम्मी ने क्या हुआ, मेरी मम्मी के पास एक कैंडल था बड़ा सा, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड चर्च और बहुत ही बड़े चर्च में प्रे करा हुआ कैंडल था। तो उन्होंने बोला कि जब भी तू जहाँ पे भी घर पे जाके ये रख दे, जिससे एटलीस्ट ये जहाँ पे पड़ा हुआ होगा वहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। ये करा और इस हिसाब से मासी थोड़ी बहुत सही हो गई, काफ़ी हद तक सही हो गई। मेरी मम्मी और मासी चली गई केरल और वहाँ पे एक प्रीस्ट आए थे और उन्होंने बोला कि प्रेयर करते हैं सब लोग। जब उन्होंने सबने हाउस प्रेयर रखी तो उन्होंने सबकी आंखें बंद कर दी, और ये जो प्रीस्ट आए थे ना, ये मेरी मासी को नहीं जानते, मेरी मम्मी को नहीं जानते। उन्होंने क्या किया, सबसे जब प्रेयर करा था सबके सर पे हाथ रख के वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बट जब मासी के सर पे उन्होंने हाथ रखा ना, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में ये बोला कि इसे छोड़ के चले जाओ, बच्ची को अकेला छोड़ दो। ये बात सुनी ना मेरी मम्मी ने, तो मेरी मम्मी ने आंखें बंद रखी थी, बट मम्मी ने ना ऐसे आंखें खोल के देखी और वो देखा तो पता चला कि वो मासी के सर पे रख के बोल रहे थे। इसके बाद थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मासी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इन्हें अच्छा एक बायर मिल गया इस घर के लिए, और इन्होंने ये घर भेज के फिर इन दी एंड ये लोग रेंट पे चले गए। देन फिर वो रेंट का वाला ख़त्म करके मेरे पास वाले घर में मेरी बहन आके बैठ गई। होप आप लोगों को डर ना लगाओ, बट अगर आपको पसंद आया ये वीडियो और आपको वीडियो ऐसे और देखनी हो जिसमें मैं आपको और स्कैरी वीडियो स्टोरी सुनाऊँ, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, 25,000 लाइक तक पहुंचा देना अगर आपको और पार्ट चाहिए हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आई बटन पे दबा लेना और देख लेना। एंड या दैट इज इट गाइस, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, फॉर न्यू वीडियोस पोस्ट करती हूं एवरी वीक विद चार। होपफुली
मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय गाइस।